एडेलवेस वेल्थ मॅनेजमेंट हा वैयक्तिक संपत्ती व्यवसाय आणि नोकरदार व्यावसायिक आणि एचएनआयना सेवा देणारा व्यवसाय असून आज एडेलवेसने डिफाईन सोल्युशनसोबत भागीदारी केली आहे. गुंतवणुकीचे निर्णय आपल्या ग्राहकांसाठी अधिक सोपे आणि वेगवान करण्यासाठी ही भागीदारी करण्यात आली आहे. या भागीदारीच्या छत्राखाली एडेलवेस डिफाईनच्या ट्रेंड पॉईंट या मालकीच्या सॉफ्टवेअर अंतर्गत व्यवहार सुलभ होणार आहेत. त्यातून ग्राहकांना व्यवहार करणे आणि पारंपरिक चार्टिंग सुविधा आणि एक दिशा आवाजरही चार्ट मिळवणं सोपे होईल अशी माहिती पर्सनल वेल्थ ॲडवायझरी राहुल जैन यांनी दिली आहे. हम दोनों कंपनी का डिफाईन है जो एडेलवेस का टेक्नोलॉजी में काफी नए नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन लेके आते रहते हैं. हमारा मेन काम टेक्नोलॉजी के थ्रू है कि लोगों को सिंपल सोल्यूशन प्रोवाइड करें और सिंप्लिसिटी दें. अभी क्या होता था कि पहले लोग डिफाइन एज के सोल्यूशन पे जाके या जो उनका प्लेटफॉर्म था उस पर अपना एनालिसिस करते थे और उसके बाद किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अपने ट्रांजैक्शन करते थे. अब एडवाइज वो सेम चीज़ डिफाइन एज के सोल्यूशन पे एम्पावर कर रहा है कि आप वहीं के वहीं एनालिसिस भी करो, वहीं के वहीं ट्रांजैक्ट भी करो. तो इससे काफ़ी सिंप्लिसिटी मिलेगी यूज़र्स को. अब उनको दो जगह जाके नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह सब कुछ उनका सारा काम हो जाएगा. सो दैट इज़ द मेन पर्पस. डिफाईन्सला एडेलवेजसोबत भागीदारी करताना खूप आनंद झाला आहे. ही भागीदारी एडेलवेजच्या समृद्ध उद्योगातील ज्ञान आणि वारशांचं प्रतीक असून चार्टिंग आणि मार्केट विश्लेषणासंबंधी सॉफ्टवेअरच्या विकासातील आमच्या ज्ञानाची त्याला जोर दिल्याचं मत डिफाईन सोल्यूशनचे संस्थापक प्रशांत शाह यांनी व्यक्त केलं आहे. तो अभी हम लोग जो डेस्कटॉप वर्जन है या वेब वर्जन है ट्रेड पॉइंट डिफाईन एज के जो प्लेटफॉर्म है उसमें यूजर्स आते हैं, दे क्रिएट सिस्टम्स. हम लोगों का अटैम्प्ट रहता है कि हम उनको कोशिश करें कि जितना हो सके उनके सिस्टम्स को ऑब्जेक्टिव करें, सिंप्लीफाई करें. तो ये प्रोसेस पे अभी आज लोग सिस्टम पे काम करते हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज की डेट में वो एनालाइज कर पाते हैं, उन्हें कहीं और से ऑर्डर इंटीग्रेशन ऑर्डर प्लेसमेंट करना पड़ता है. ये पार्टनरशिप की वजह से, ये जो इंटीग्रेशन की वजह से, एक तो है कि वो सेम प्लेटफॉर्म से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उससे उनका काफ़ी जो लैग है वो रिड्यूस होगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, दैट इज़ वन. दूसरा चीज़ ये भी है कि हम अब और बहुत इनोवेटिव काम इस फील्ड में करना चाहते हैं कि जिससे उनका डिसीजन मेकिंग जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई हो, आसान हो, और वो जो सिस्टम्स बनाते हैं उसका वो मैक्सिमम एडवांटेज ले सके और ऑब्जेक्टिव कर पाए अपने मेथड को. और ये फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उनके ऑपरेशन कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से उनका काम और अच्छा हो सकता है.